गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फिर से लवलीनो के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या इसकी प्राइस अब बहुत और डाउन जाने वाली है, क्या इसकी प्राइस में पंप आएगा और इसके हवाले से हमें कुछ क्या न्यू अपडेट्स वगैरह मिल रही है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या लवलीनो अब ख़त्म हो चुका है क्या नहीं, क्या अभी इसमें अब और उम्मीदें लगाई जा सकती है कि नहीं, ये सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सॉरी आज मैं किसी वजह से लैपटॉप पर वीडियो नहीं बना सका आपके लिए, लेकिन खैर जो डिटेल्स मैं देना चाहता था वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक किया करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करें। और आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। ओके, अभी हम लवलीनो के बारे में बात की जाए तो ये तकरीबन 23 तक पहुँचा, इन 23 तक पहुँचा है। इसकी प्राइस जैसे इसमें हमें तकरीबन 24 आवर्स की बात करें तो -2.56% है और 7 डेज़ की बात करें तो -24.72% है। और अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई से देखें तो तकरीबन ये -73.64% डाउन गया है। अभी पता नहीं कि इसकी प्राइस क्यों डाउन जा रही है, क्योंकि एक बात समझ में आती है कि एक मार्केट में क्रैश आया था, लेकिन क्रैश आने के बाद अब सारी क्रिप्टो मार्केट स्टेबल हो रही है, लेकिन अभी तक ये क्यों स्टेबल नहीं हो रहा, ये कुछ सवाल आते हैं। अभी देखते हैं क्या इसकी बर्निंग भी हुई है, बर्निंग के बावजूद भी ये हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों क्या वजह है, इसकी वजह ये मैं खुद भी नहीं जान सका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसके होल्डर भी वहीं पर स्टक हो गए हैं, 20,888। ओके, तो यहाँ पर अभी पता नहीं कि ये लवलीनो की टीम सो रही है क्या कर रही है, कुछ ऐसा कुछ खास नया नहीं लेके आ रही। अगर ये कुछ और नया लेके आते हैं तो इसमें चांसेस हैं कि इसकी प्राइस में हमें बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिले। यहाँ पर मैं आपको इनका दिखा देता हूँ, ये देखो 21 सितंबर वाली बर्निंग भी इनकी हो गई, टोटल 5 ट्रिलियन पॉइंट्स बर्न हो चुके हैं और इनके 20,000 होल्डर भी हो चुके हैं। नाउ 70, ओके, अब इनकी तकरीबन 70 ट्रिलियन सप्लाई रहती है। अब पता नहीं इनके पास अभी 2 बर्निंग्स रिमेनिंग रहती है, अब कैसे ये इसको $1 तक पहुंचाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। जब तक इनके हवाले से कोई और खास अपडेट नहीं निकल के आती तो मुझे इसके हवाले से कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी प्राइस बूस्ट अप जाए। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आप लवलीनो के होल्डर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और आपको कमेंट सेक्शन में होल्ड इन गोल्ड ज़रूर लिखना है। और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस।